नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पाकिस्तान से भारत वापस लौट चुकी अंजू के लिए नए नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। अंजू एक तरफ जहां पाकिस्तानी पति नसरुल्ला के साथ भारत में रहने की बात करती है तो दूसरी तरफ अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती है। इस पर अंजू और अरविंद के बीच कड़ी तलखी देखने को मिल रही है। अंजू अभी फिलहाल दिल्ली में किराए के मकान में रह रही है और अपने बच्चों के साथ वक्त व्यतीत कर रही है। इसी के साथ साथ अंजू अपने बच्चों के लिए वर्क फ्रॉम होम की नौकरी भी कर रही है और अंजू का ये भी कहना है कि वे आने वाले वक्त में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सकती है। इसके लिए कई लोगों से उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और अंजू का ये भी कहना है कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग की काफी अच्छी नॉलेज है। आपको बता दें कि नसरुल्ला का बयान भी इस बीच सामने आया है। पिछले दिनों जिस प्रकार बताया जा रहा था कि अंजू प्रेग्नेंट हैं, लेकिन अंजू ने इन खबरों को जो है एक तरीके से किनारा कर दिया था और इन पर पूर्ण विराम लगा दिया था। लेकिन नसरुल्ला का कहना है कि यदि अंजू प्रेग्नेंट होती तो वह उन्हें पाकिस्तान से भारत नहीं भेजता। इस बात पर उसने कहा कि मैंने अंजू से बात की थी और उस दौरान अंजू ने अपने प्रेग्नेंट ना होने की पुष्टि भी की थी। यदि अंजू वहां पर प्रेग्नेंट हुई होती तो मैं उसे भारत किसी हालत में भेजने वाला नहीं था। इसी के साथ साथ नसरुल्ला का कहना है कि वह अंजू के साथ ही रहना चाहता है। अंजू से मिलने के लिए कई दिनों से मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है और वीजा लगवाने की भी तमाम कोशिशें लगातार जारी है। इस बीच अंजू के लिए अरविंद ने कहा कि वह पाकिस्तान जाए तो जा सकती है और बच्चों को पाकिस्तान नहीं ले जाने देगा। इसी के साथ साथ उसने कहा कि वह अपनी 15 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटे को भी वहां पर नसरुल्ला के साथ नहीं रहने देना चाहता है। ऐसे में अरविंद और अंजू के बीच ये लड़ाई काफी गहरी होती जा रही है। अंजू एक तरफ अरविंद के साथ शुरुआत में रहने की बात करती नजर आई थी तो अब तलाक की खबरें भी उठना शुरू हो गई है। अंजू ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अरविंद के साथ तलाक लेने की अर्जी पेश की, लेकिन अरविंद ने उस अर्जी पर अपने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है और अरविंद का कहना है कि वह अंजू के साथ नहीं रहना चाहता लेकिन बच्चों को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ अंजू का भी यही कहना है कि वह अपने बच्चों के लिए यहाँ पर आई है और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हर कदम उठाई। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प है कि क्या इन दोनों को कोर्ट से किसी प्रकार की राहत मिलती है, क्या एक दूसरे के साथ फिर से रह पाते हैं या फिर यहाँ से रास्ते अलग हो जाएंगे और बच्चों का भविष्य क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट लाइन न्यूज।